फातिमा में क्या हो रहा है? ओए 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 ओए, ये छोटा निब्बा तैयार हो गया है। चले जी, अब बारी है बस फातिमा की और राबिया की नाक पढ़ने की। बच्चे बाजार में बिजी हैं तो मैं कहता हूं इनको तो चाय बनाऊं, तो पता नहीं कितना चाय होगा। फर्स्ट क्लास उठा के इनको कहता हूं क्या बोतल अट्रैक्ट कर रही है, ड्रिंक इसको अट्रैक्ट कर ना ना पियो, इसका गला खराब है यार। ऐसी बड़ी बहनों मत दे, कौन सा ठीक है। बरकतों वाला महीना है और बरकतों वाले महीने की तैयारियां भी जोर शोर से जा रही हैं। और तैयारी से पहली चीज जो अभी मतलब व्लॉग अभी मैंने शुरू की है, क्योंकि अब से तैयारी हम लोग शुरू करने लगे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने सेलिब्रेट करना है मिलाद, ईद मिलादुन नबी जो है वो एस्ट्रोलॉजी के घर पे जोश और शोर से सेलिब्रेट की जाने वाली है। अभी मानो ने दरवाजा बंद किया और अभी मानो को ये 12 रबीउल अव्वल से आपको पता लग रहा होगा कि जी सामने वालों ने भेजा, उन लोगों ने ये बांटा है। और ध्यान से इसको रख दो, अभी सुने कैसे लेके जाओगी, कीड़े मकोड़े फिरते हैं। ओके ओके ओके, तो जो सिलसिला है घर के अंदर लंगर शंगर आने का वो शुरू हो चुका है। आप लोगों से भी यही है कि मुबारक दिन पे जो है ना वो ईद मनाएं भरपूर तरीके से। हमारी मानो जा चुकी है और हम लोग भी यहाँ पे, मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को पूरा सजवाऊं, चिरागा करवाऊं, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार और साडा कार। तो अभी मैं गिर ना जाऊं, तो अब हम लोग ने उनका इंतजार कर रही हूं, जैसे वो लोग आएंगे हम फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह का डेकोर करा रहे हैं, किस तरह की जो है वो कल मिलाद है, क्योंकि कुछ रिश्तेदार आएंगे, कुछ दोस्त अहबाब आएंगे, कुछ लंगर शंगर होगा, कुछ नात खवानी होगी और बहुत कुछ होने वाला है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। और एक मिनट, अगर तक अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। हमारा सामान आया है ऑटो पे एंड अभी ये जो ऑटो रिक्शा है ये हमारे घर लगा है पधारने। अच्छी, हमने सोचा था कि हम यहाँ करेंगे लेकिन वहाँ लगेगी लाइट, सामान आ गया है और ये जगह डिसाइड किया है कि ये इसके आसपास कुछ बनेगा। चलो जी, ये प्राडो जा रही है वापस क्योंकि अंकल कह रहे हैं ये मेरा रिक्शा नहीं, इसको मैं प्राडो कहता हूँ, तो ये एक अदद प्राडो है। चलें जिस टाइम आ चुके हैं पापा, लाइटें शाइटें जल रही हैं और काम हो रहा है। ये कैसा लग रहा है, अभी तो मैं आपको प्रॉपर आफ्टर दिखाने वाली हूँ। सो गाइज ये हमारा यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर, नाउ यू गाइज कैन सी, तो मौसम इतना खूबसूरत हो गया मिलाद के मौसम में, मौसम प्यारा हो गया और यहाँ पे सारा डिकोर और ये लाइटिंग पीछे। और ये हमारी टीम थी जिन्होंने बड़ी मेहनत किया है। अंकल ने तो सही अपनी पजारी, ये अंकल की थी पजारो थी, क्या थी पराडो। अंकल की पराडो थी भाई, अंकल ने बहुत मेहनत की इसलिए सुकून से बैठ के देख रहे हैं इसको। तो अब बस इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है भाई, मैंने इंस्टाग्राम पे लिंक दिया है, स्टोरीज पे भी दिया, आप लोग जाके देखे। और अपना इवेंट अगर आप लोग ने कराना हो तो आप लोग इनका पेज विजिट कर सकते हैं। 3 गाइज इवेंट्स ने किया है, बहुत जबरदस्त है, अमेजिंग है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका नाइट व्यू क्या लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये नाइट व्यू में, मतलब घर प्रॉपर ऐसा लग रहा है चिरागा हो गया है हमारे घर प्रॉपर। चलें जी, अब हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि हमें टेरेस पे लगानी है लाइट्स। ये राबिया को पता नहीं बहुत ज्यादा तेज किस्म का बुखार हो गया मुझे लग, और कह रही है कि मुझे नजर लग गई, 1 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो गए। देखें अब इस वक्त फुल सोई हुई है मेरी बहन बेचारी, देखें, और टेडी के साथ, टेडी के बगैर नहीं सो रही। और दिखाओ हाथ इसका, मैं बुखार चेक कर रही हूँ, फुल तपरी है इस वक्त, इस लड़की का हाथ फुल गर्म हुआ हुआ है। चलो सो जाओ ध्यान से, कल तक इसका बुखार सही हो जाए ताकि राबिया आपको अच्छी अच्छी नातें सुना सके। The next day. Good morning. So, मैं जल्दी उठ चुकी हूँ और मेरा दिन शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत 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 मुबारक हो। अब मैं उठूंगी, होंगी तैयार। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी भरपूर तरीके से। देखे मैंने अपने ऑर्नामेंट सब पहन लिए, ज्वेलरी श्वेलरी पहन लिया, मेकअप कर लिया, फुल ड्रेस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मेकअप तो कर लिया है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज के दिन खुशबू ना लगाऊं। तो मैं यूज करती हूँ जी चिल्टन प्योर का पिंक लेडी बॉडी मिस्ट, जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और ये आपकी मूड को बहुत हैप्पी रखता है। आप इसको कपड़ों के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको बॉडी पे भी लगा सकते हैं, इवन सोने से पहले आप अपने पिलो पे भी
इसको लगा के सो सकते हैं ताकि आपको नींद बहुत अच्छी आए, अच्छे अच्छे ख्वाब आए। आप लोग खरीदना चाहते हैं तो ऑर्डर करें एंड इनके मिस एंजॉय करें। चले जी, आज हम प्यारे जूतों से नीचे जाएंगे, लेकिन मेरे पैर क्यों लड़खड़ा रहे हैं बेचारे। सुबह के टाइम वैसे इसकी देखें रोशनी इतनी अच्छी लगी है, हमारे फोटोग्राफर्स भी आ चुके हैं। ईद मुबारक, ईद मिलाद नबी मुबारक। चले जी, यहाँ देखे मेरी अम्मा फुल तैयार होके व्हाइट कलर के कपड़े पहन के लीमू निचोड़ रही है। व्हाइट कपड़े पहन के भी काम करते हैं? हाँ जी, व्हाइट कपड़े पहन के काम करते हैं, लेकिन हमारी जो एक बहन है वो आज बीमार है। आपको पता है कौन सी बहन है? राबिया है। उसको मैं कह रही हूँ उठ के तैयार हो जाओ। हाय अल्लाह, वो तैयार हो भी चुकी है। हाय अल्लाह राबिया, क्या हाल है? नहीं कम है पहले, बात तो ठीक है, लेकिन हाँ सर पे है बुखार। ग्रीन कलर की भी बाहर आके नात भी सुनानी है तुमने। मेरा गला खराब है, ऐसे ही अच्छी लगेगी। पापा दवाई ही देते हुए और ये बीमार बच्ची। डायलॉग स्टोरी तो मैं कह रही कि हमें पहले वाली एनर्जेटिक राबे थे, उनको बोलो कि बस ठीक होंगी, दुआ करें फिर। हाँ तुरंत तो उनको नजर जल्दी लग जाती है। हमें मुझे भी लग गई है। सुबह से ख्याल ही कर रही है मेरे। तो का ख्याल मैं। हाँ हम तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखते बिल्कुल। मेरी मर्जी का राबिया ने सूट पहने। और मैं ये जब आती हूँ ये लड़की तैयार हो रही होती है। जब आप लोगों ने देखा है ना, जब मेरा व्लॉग ऑन होता है ये लड़की तैयार हो रही होती है। और आपको मजे की बात बताऊँ कि आज के मिलाद में नाते मैंने पढ़नी है, और इन लोगों ने मेरे पीछे अच्छी अच्छी सी वो करनी है। क्या करना है हमने? तुम लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़नी है वो। फातिमा ने भी। ये देखें जी, हीरा भी ये ट्रैवल एक्सप्लोर क्रिएट की तरह तैयार हो गया। तेरी बहन लग रही है। अब हम चलते हैं नीचे, हीरा तैयार हो चुके हैं। देखते हैं कि फातिमा क्या तैयार हो गई है। ओ फातिमा भी तैयार है। ओए 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 ओए, ये छोटा निब्बा तैयार हो गया है। अच्छी लग रही है फातिमा, सबने व्हाइट पहना मुझे। और ये देखें जी, यहाँ पे खाने वाला देचका भी आ चुका है। और एक पापा जी केक वाले आना, देखे यहाँ आया। ये देखें जी, ये थी फाइनली वो वाली लाइट्स जो हम कह रहे थे कि घर के बाहर से अच्छी लगेंगी। ये था जी आज हमारी बिरयानी, नहीं आज है हमारा पुलाव। हीरा करवा रही है, मैं भी करवा रही हूँ, मम्मा बस खाने में सो रहा है। और जी मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारा केक, ईद मिलाद नबी मुबारक का केक, जो कि बहुत खूबसूरत है। क्या चल रहा है? यहाँ से मैंने हिलना नहीं है क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से दुपट्टा पैक किया। मिलाद जब खत्म हो जाता है फिर आपका फोटो शूट होता है। देख आधी हो चुकी है, लेकिन भरवाई का सिलसिला जारी है और काके जो है वो खेल रहे हैं यहाँ पे, मिलाद मना रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ की आज चांद कितना खूबसूरत है। जश्न ईद मिलाद उन नबी पे चांद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आ रहा है। चलें जी, मानों का बांटने का सिलसिला स्टिल जारी है। पहले भी मैंने बांटा था। हाँ सभी बांट दियो, तुम छोटी हो ना इसलिए तुम्हें बांटोगी। जा
अच्छा जी, यहाँ पे हो रहा है हमारा मिलाद और आपको काफी नाते हम लोगों ने पढ़ी है। पापा जी आपने बतानी है, ये देखे यहाँ सब हमारे घर की औरतें कह रही हैं कि चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय पीनी है। यहाँ पापा गए चाय बनाने। ले जी मैं बाहर हो रहा है, मिलाद बच्चे मिलाद में बिजी हैं, तो मैं कहता हूँ इनको चाय बनाऊं तो पता नहीं मैंने चाय फर्स्ट क्लास खा के इनको कहता हूँ। ना हो सके पढ़े हम लोगों ने तो अभी बैठ के काफी देर पढ़ा है, कुछ कुछ चंक्स आप लोगों को दिखाए हैं, कुछ नाते पढ़ते हुए दिखाई है, बाकी जो था वो एक अपने तौर पे हम लोगों ने जो किया था वो उस टाइम मेरा कैमरा जरा ऑफ था, बट अब हम चलते हैं अंदर। सिर्फ इसका दिन नहीं अच्छा जा रहा, बेचारी बीमार बच्ची मेरी छोटी सी गोल मटोल खांसी की दुकान। जी ये देखें जी, मिलाद जब खत्म हो जाता है ना तो खाने पे जो असली में टूट प्रोग्राम होता है ना वो ये होता है, यहाँ पे इन लोगों की पार्टियां चल रही हैं। और ये इस बीमार को तो देखें साथ ही ठीक हो गई है, और यहाँ पे चुगली भरपूर तरीके से जारी और सारी है। फाइनली मुझे मेरी प्लेट मिल गई है। क्या बोतल ड्रिंक इसको अट्रैक्ट कर ना पियो, इसका गला खराब है यार, कैसी बड़ी बहनों माता है। कौन सा ठीक है अब इसमें क्या बचा जो मैं खा रही हूँ? ये वर्ड तुमने सही कहा था। कौन है तू? ये देखो चिल्ला, पापा चाय बना के लाए हैं, और ये चिल्ला जो झूठ बोल रही है। हाँ कराई है देख, ये देखे हीरा ने क्या 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 सीक्रेट। चलें जी अब चाय सबको सर्व करें। अब यहाँ पे देखें जी अब्बा मेरे जो है ना वो तैयार हो गए हैं यहाँ पे खेलने के लिए, और यहाँ पे खेल शेल चल रहा है, सब खेलें चल रही हैं। देखें जी यहाँ पे केक पार्टी हो रही है, ऐसे केक जिंदगी में नहीं सामानों ने कभी खाया जैसे अभी लगी हुई है फुल ऑन। आजकल के बच्चे कैसे खुश होते हैं, डर लग रहा ना वो पूरा ग्रीन ग्रीन। ये देखें जी सब लोग चले गए, और मेरी अम्मी जो है ना वो यहाँ पे कप कुप वापस कर रही है, और बाहर साफ हो गया यार। ओ फला अभी मैं एकदम बैठी है, मिलाशनाथ का सीन देखे मुझे अपने बचपन की मेमोरीज याद आ गई, मतलब मैं मेरे ख्याल से होती होंगी कोई सातवीं आठवीं क्लास में, इतनी ऊंची आवाज से नाते पढ़ती थी, इतनी ऊंची आवाज, इतना शौक था, अभी भी शौक है, इतनी नाते याद की हुई थी कि एक दफा मेरा इत्तेफाक हुआ था किसी के घर पे मिला था, और मैं मम्मा के साथ ऐसे गई, और मेरी मुझे मम्मा ने कहा इससे सुने, इस घर में सारा दिन आँ करती रहती है इससे सुने। अब मम्मा मुझे कहें नात सुनाओ, और मैं कहूँ मम्मा नहीं चुप करें क्यों बोल रही हैं ना कहें, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि चार लोगों में बैठ के आप नात सुना सको। मैंने सुना आप उधर कहेंगी तो मैं सुनाऊंगी, जाती मैं कहती इकरा सुना दो, अच्छा सुनाती हूँ मैं कहती इकरा सुनाती हूँ चुप तो करो फिर सुनाना शुरू होते, फिर सब लोग बड़ी तारीफ करते, यहाँ तक कि लोगों ने इसके आगे पैसे भी रखना शुरू कर दिए। मैंने नात पढ़ी, उन्होंने मुझे ना मेरा ख्याल से उस टाइम 400 रुपीस मेरी गोदी में मुझे पड़ा, मैं घुमा के पैसे गिन रही हूँ आई वाज लाइक इतने सारे पैसे, मतलब 400 रुपया उस हिसाब से बहुत ज्यादा था। मैं पापा के पास आई बड़ी खुशी से, मैंने कहा पापा जी ये मैंने मुझे पैसे मिले नाथ से, तो डैडी ने मुझे बोला बेटा ये पैसे आपने लोगों पे स्पेंड करने हैं, आपने बांटने हैं, और इस पैसों को अपने उसके लिए नहीं रखना, इट्स नॉट योर पॉकेट मनी, पॉकेट मनी आपको मिलती है
तो पापा वो पैसों की जो है वो कैंडीज उन्होंने मुझे बोला लेके आओ, फिर मैं हम लोगों ने कैंडीज लेके आए, फिर हम लोगों ने जैसे मोहल्ले में करते ना बालो गुड़ियो चीज वंडी वंडी ले जाओ वो किया, उसे हम लोगों ने वो बांटा, तो उससे मुझे ये हुआ कि एक हौसला अफजाई होती है और मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। खैर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश थी और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं हैं हमारे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कॉमेंट्स पढ़ रही होती हूँ आप लोगों के। तो आप लोगों ने अपना 12 रबीउल अव्वल कैसे सेलिब्रेट किया आप ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे ब्लॉग का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज की अच्छी बात ये है कि ज़िंदगी में कभी भी आपके पास किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो आपके पास एक मुस्कुराहट तो होती ही है। अपने इखलाक से आप किसी को बहुत अच्छी एनर्जी दे सकते हो, तो गिविंग वाली जो एक खसूसियत है उसको अपनाएं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी चीज़ का दर्स दिया था कि अच्छी चीज़ हर किसी को दें, और वो एक चाहे एक अच्छा इखलाक, एक अच्छा बोल, एक अच्छी दुआ, एक अच्छी स्माइल क्यों ना हो। ठीक है।